दिस कल्टिवेटर केम फ्रॉम द फ्यूचर के पिछले एपिसोड में हमें जिंग जिंग को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमें बताया जाता है कि जिंग जिंग अपने स्कूल की मोस्ट प्रीटीएस्ट गर्ल होने के साथ साथ कल्टीवेशन टेक्निक्स में भी माहिर होती है। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो कि काफ़ी समय से कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। अब टैंग मिंग अपने आप से कहता है कि अगर मुझे लेप्टन बॉडी रिफाइनमेंट की आर्ट की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे जिंग जिंग की मदद लेनी ही होगी। अब हमारा सीन चेंज होता है ना, हम उसी दिन के रात के सीन को देखते हैं जहाँ पर टैंग मिंग अपने स्कूल के बाहर के फॉरेस्ट में होता है। अब टैंग मिंग बताता है कि आज के दिन पे एक क्रिमिनल कल्टीवेटर जो कि किसी और डिस्ट्रिक्ट से ग्वांगचैंग में घुस आया था, उसकी एंड जिंग जिंग की आज लड़ाई हो गई थी। जिंग जिंग रात को कल्टीवेशन कर रही थी एंड इसी दौरान वो क्रिमिनल कल्टीवेटर उसे मिल जाता है। जिंग जिंग की एंड उस क्रिमिनल कल्टीवेटर की एक बहुत खतरनाक फाइट होती है एंड जो जिंग जिंग होती है वो उस ग्रेड वन क्रिमिनल कल्टीवेटर को मार देती है। अब हैरानी की बात ये होती है कि जिंग जिंग जो होती है वो एक सूडो कल्टीवेटर होती है, लेकिन उसके बाद भी उसने ग्रेड वन कल्टीवेटर को हरा दिया होता है। अब इसी के चलते जिंग जिंग की तारीफ पूरे कल्टीवेटर वर्ल्ड में फैल गई थी। लेकिन इस बैटल के बाद जिंग जिंग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, जिसके बाद उसे काफ़ी महीनों तक रेस्ट करना पड़ा रिकवर होने के लिए। अब टैंग मिंग को ये सब इसलिए पता होता है क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ में ग्वांगचैंग में इस इवेंट के बारे में डेली कहा जाता था। तो ये वही जगह है जहाँ पर जिंग जिंग एंड उस ग्रेड वन क्रिमिनल कल्टीवेटर की लड़ाई होती है आज के दिन। अब हमारा सीन चेंज होता है, हम जिंग जिंग को देखते हैं जो कि उसी ग्रेड वन क्रिमिनल कल्टीवेटर के पीछे भाग रही होती है। अब वो ग्रेड वन कल्टीवेटर अपने आप को कहता है, अरे नहीं, मैंने सुना था कि कोई ग्वांगचैंग में कल्टीवेटर्स को ढूंढ रहा है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल्टीवेटर क्रिमिनल हो या नहीं, लेकिन मैं इस लड़की से कैसे मिल गया। ये लड़की काफ़ी ज़्यादा यंग है लेकिन इसके पास एक सूडो कल्टीवेटर की पावर है। अब वो ग्रेड वन क्रिमिनल कल्टीवेटर जिंग जिंग से कहता है, ओए लड़की, मैं ये मानता हूँ कि मैं अभी एक डिसएडवांटेज पे हूँ, लेकिन अगर तुमने अभी मेरी लाइफ बख्श दी तो मैं फ्यूचर में तुम्हारी इस दया को रिपे ज़रूर करूँगा। अब ये सुनकर जिंग जिंग गुस्से में उसे कहती है कि बहुत हुई तुम्हारी बकवास, तुम भले ही एक ग्रेड वन कल्टीवेटर हो लेकिन तुम्हारी बॉडी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बेकार है, अभी सरेंडर कर दो एंड मेरे साथ कल्टीवेटर अलायंस में चलो पनिश्ड होने के लिए। अब ये सुनकर वो ग्रेड वन क्रिमिनल कल्टीवेटर गुस्से में आ जाता है एंड वो अपनी एक टेक्निक की मदद से जिंग जिंग पे हमला कर देता है। अब जिंग जिंग उसके हमले से खुद को डॉच कर लेती है। अब पीछे से टैंग मिंग ये सब देख रहा होता है, वो अपने आप से कहता है कि उस क्रिमिनल कल्टीवेटर ने येलो ग्रेड टाइगर क्लॉ का इस्तेमाल किया, अगर कोई और नॉर्मल ह्यूमन उसकी चपेट में आ जाता तो उसकी छाती फट जाती। अब हम देखते हैं कि जिंग जिंग भी अपनी तलवार को बाहर निकलकर उस क्रिमिनल कल्टीवेटर पर हमला कर देती है। अब हमें बताया जाता है कि जो कल्टीवेटर्स ग्रेड फोर से नीचे होते हैं उन्हें सीक्वेंस वाइज अपनी बोन्स, मसल्स, फेसिका एंड स्किन को मजबूत करना होता है। अब जो ग्रेड वन कल्टीवेटर्स होते हैं उन्हें अपनी बोन्स को रिफाइन करना होता है जब तक कि वो स्टील की तरह मजबूत नहीं बन जाती तब तक के लिए। ग्वाओ भी एक अच्छा कल्टीवेटर बन गया था सिर्फ अपने एक्सटर्नल स्किल्स को इम्प्रूव करने से, उस चीज़ ने उसकी बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन कर दिया एंड ग्वाओ को नॉर्मल कल्टीवेटर्स के मुताबिक थोड़ा टफ बना दिया। अब वो क्रिमिनल कल्टीवेटर जिंग जिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब तभी हम देखते हैं कि टैंग मिंग उन दोनों की इस फाइट को देखकर कहता है कि जिंग जिंग के पास भले ही ग्रेट कल्टीवेशन स्किल्स हो लेकिन उसकी कल्टीवेशन स्किल्स उस क्रिमिनल कल्टीवेटर के कंपैरिजन में वीक हैं। इस सिचुएशन में उस क्रिमिनल कल्टीवेटर की उस आर्म को काटना आसान नहीं होगा। अब तभी हम देखते हैं वो क्रिमिनल कल्टीवेटर अपनी पावर को बढ़ाते हुए जिंग जिंग से कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास ऐसी स्किल्स होंगी, भले ही तुम्हारे पास बहुत अच्छी स्किल्स हों लेकिन तुम अभी भी यंग हो एंड तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब ये सुनकर गुस्से में आई हुई जिंग जिंग उस क्रिमिनल कल्टीवेटर पे हमला कर देती है। अब दूसरी ओर हम टैंग मिंग को देखते हैं जो कि उनकी इस फाइट को देखकर कहते हैं कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट के 4 ग्रेड हैं, हेवन, अर्थ, ब्लैक एंड येलो। जो वैंग फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक्स हैं उन्हें अर्थ ग्रेड कंसीडर किया जाता है एंड ये टेक्निक ज़्यादातर गर्ल्स पे सूट होती हैं। लेकिन क्या अभी तक जिंग जिंग की इनर क्वी जो है वो अभी तक इकट्ठा होकर थ्रेड्स में नहीं बनी? वो एक कल्टीवेटर नहीं है, उसकी स्वॉर्ड टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है। जब तक
वो क्रिमिनल कल्टीवेटर जिसका नाम गुआव हु है, वो अब अपने वाइटल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा एंड तब तक उसकी मसल्स को या फिर बोन्स को काटा नहीं जाता तब तक उसे हराना आसान नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि जिंग जिंग एंड गुआव हु की फाइट चल रही होती है। अब फाइट के दौरान गुआव हु जिंग जिंग की तलवार को पकड़ लेता है। अब ये देखकर जिंग जिंग घबराते हुए अपनी स्वॉर्ड क्वी टेक्निक को इस्तेमाल करती है, लेकिन ये करने के बावजूद भी गुआव जिंग जिंग को पकड़ लेता है एंड उसे कहता है कि ये पकड़े जाने के बावजूद भी तुमने अपनी स्वॉर्ड की को बना लिया, लेकिन बहुत बुरा हुआ कि तुम मेरी बोन्स को नहीं काट पाए। अब यहाँ पर गुआव हु ने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि अगर एक बार उसकी बोन्स या फिर स्किन कट जाती तो वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर लेता, लेकिन उसने इतना बड़ा रिस्क लिया ताकि वो जिंग जिंग को हरा सकें। अगर जिंग जिंग के पास अभी कोई बैकअप प्लान नहीं हुआ तो उसकी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। अब गुआव हु जिंग जिंग को कहता है कि तुम्हारी स्किल्स चाहे कितनी भी बेहतरीन हो, लेकिन क्योंकि तुम अभी तक एक कल्टीवेटर नहीं बनी हो तो उनमें थोड़ी पावर की कमी है। अब तभी हम देखते हैं कि पीछे की ओर से गुआव हु की बॉडी पे एक पत्थर आता है, जिसकी वजह से गुआव हु की बॉडी थोड़ी सी कट जाती है। अब जैसे ही गुआव हु को इस चीज़ की भनक होती है तो कहता है कि वहाँ पर कौन है। अब हमें पता चलता है कि टैंग मिंग भी फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। अब टैंग मिंग कहता है कि अगर मैं इसके स्कल को अपनी पंचिंग फोर्स से मारूं तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होएगा, बट मेरी पंचिंग फोर्स जो है वो उसके ब्रेन को ज़रूर डिस्ट्रॉय कर देगी। अब तभी हम देखते हैं गुआव हु पीछे मुड़ता है टैंग मिंग पे हमला करने के लिए। अब जैसे ही टैंग मिंग ये देखता है तो वो अपने आप को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेता है एंड उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब टैंग मिंग जिंग जिंग के पास चला जाता है। अब टैंग मिंग जिंग जिंग से कहता है कि तुम वैंग जिंग जिंग हो, है ना? मैं ग्वांगशेंग एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। जब मैं कल्टीवेट कर रहा था तब मैंने कुछ आवाज़ सुनी तो मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आ गया। अब ऑफकोर्स टैंग मिंग ये सब बातें बना रहा होता है एंड वो सच को जिंग जिंग से छुपा रहा होता है। अब टैंग मिंग अपने मन के अंदर कहता है कि ये एक परफेक्ट टाइमिंग है, अगर मैं वैंग जिंग जिंग का उसके ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने तक का वेट करता तो मेरे पास बाहर आने का समय नहीं बचता। अब जिंग जिंग टैंग मिंग को कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ एंड उसे रोको। अब ये सुनकर टैंग मिंग उसे कहता है कि तुम इंजर्ड हो, हम दोनों को साथ में मिलकर अटैक करना चाहिए, तभी हम उसको हरा पाएंगे। अब ये सुनकर जिंग जिंग टैंग मिंग से कहती है कि तुम बस एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब टैंग मिंग जिंग जिंग से कहता है कि कल्टीवेटर्स को हिम्मत एंड बहादुरी दिखानी होगी फाइट करते दौरान, अगर मैं अभी यहाँ से भाग गया अपने साथी को छोड़कर तो ये चीज़ मेरे विश्वासों को हिला कर रख देगी, और अगर मैं तुम्हें यहाँ से अकेला छोड़कर चला जाऊँगा तो मैं फ्यूचर में एक ग्रेट कल्टीवेटर नहीं बन पाऊँगा। अब ये सुनकर जिंग जिंग उसकी तरफ देखने लगती है। अब तभी हम देखते हैं गुआव हु यानी कि वही क्रिमिनल कल्टीवेटर उन दोनों को बातें करते हुए देखकर कहता है, क्या मजाक है तुम लोग बातें कर रहे हो, आज तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इसी के साथ गुआव हु उन दोनों पे हमला कर देता है। अब ये देखकर जिंग जिंग टैंग मिंग से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी मदद कर सकते हो थोड़ी देर तक उसको रोकने के लिए, मैं उसे अपने एक ही मूव में ज़रूर मार दूंगी। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जिंग जिंग अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगती है एंड टैंग मिंग आगे जाकर गुआव हु को रोकने की कोशिश करता है अपने पंचेस से। अब जैसे ही टैंग मिंग गुआव हु को पंच मारने जा रहा होता है तभी गुआव हु उसके पंच को रोककर कहता है, ट्रेमर फोर्स तुम कौन सी कल्टीवेटर फैमिली से बिलोंग करते हो? अब हमें बताया जाता है कि टोटल 13 कल्टीवेटर फैमिलीज हैं एंड हर किसी के पास एक यूनिक स्किल है। अब गुआव हु अपने मन के अंदर कहता है, क्या ये लड़का उस फेमस कल्टीवेटर फैमिली से है? अब टैंग मिंग गुआव हु को कहता है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैंने इस स्किल को अपने बलबूते पर डेवलप किया है तो क्या तुम इसे मानोगे? अब इसी के साथ टैंग मिंग उसे एक पंच मार देता है। अब तभी उसके पंचेस को देखकर गुआव हु अपने मन के अंदर कहता है कि इवन दो इसका कल्टीवेशन बेस अभी तक स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके फोर्स एग्जीक्यूशन मेथड पे इसकी कंट्रोल काफ़ी अच्छी है। सिर्फ ग्रैंड मास्टर जिन्होंने काफ़ी सालों तक कल्टीवेशन की होती है वो ही ऐसी स्किल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब गुआव हु टैंग मिंग को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे इस झूठ से मैं डर जाऊँगा? अब टैंग मिंग गुआव हु को कहता है, क्या तुम्हें डराऊंगा? अब इसी के साथ हम देखते हैं टैंग मिंग गुआव हु पे अपने टाइगर क्लॉक का इस्तेमाल करता है। अब टैंग मिंग के टाइगर क्लॉक को देखकर वो क्रिमिनल कल्टीवेटर कहता है, क्या टाइगर क्लॉ, ये कैसे हो सकता है? अब टैंग मिंग अपने टाइगर क्लॉ की मदद से गुआव हु को थोड़ा इंजर्ड कर देता है।
अब उन दोनों की एक बेहतरीन फाइट चल रही होती है। अब टैंग मिंग की स्किल्स को देखकर गुआ अपने मन के अंदर कहता है कि अब ये अपने मूव को लगातार चेंज कर सकता है। अब गुआ समझ जाता है कि वो टैंग मिंग को नहीं हरा सकता, इसलिए वो उससे कहता है, हे भाई सुनो, हमें एक दूसरे के साथ ग्रजेस रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को लड़ना बंद कर देना चाहिए, मैं भूल जाऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते हैं। अब गुआऊ बाहर से तो टैंग मिंग के साथ मीठी मीठी बातें कर रहा होता है, लेकिन अंदर से वो सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर कौन से कल्टिवेटर फैमिली से बिलोंग करता है, ये अभी तक एक कल्टिवेटर तो नहीं है, लेकिन इस बैटल में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब टैंग मिंग गुआऊ को कहता है, क्या तुम मुझे भाई कह रहे हो? लेकिन बदकिस्मती से, अब ये सुनकर गुआऊ कहता है, क्या बदकिस्मती से क्या? अब तभी हम जिंग जिंग को देखते हैं, जो कि अपने स्किल को पूरी तरीके से तैयार कर लेती हैं, हमले के लिए बिल्कुल तैयार होती हैं। अब जिंग जिंग कहती है कि बदकिस्मती से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। अब जैसे ही गुआऊ जिंग जिंग की स्वॉर्ड ड्रो टेक्निक को देखता है तो घबरा जाता है, एंड वो कहता है, क्या स्वॉर्ड ड्रो टेक्निक? क्या तुम ग्वांगशिंग फैमिली से हो? अब इतना कहते ही अचानक से लाइट की स्पीड से जिंग जिंग गुआऊ के सर को ही काट देती हैं। अब मरते मरते गुआऊ कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो। अब इसी के साथ हम देखते हैं गुआऊ की मौत हो जाती है। अब तभी हम टैंग मिंग को देखते हैं, जो कि इस फाइट को बिल्कुल झील की नज़रों से देख रहा होता है। अब उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड ड्रो टेक्निक एक ऐसी सीक्रेटली टेक्निक है जो कि वैंग फैमिली में पास डाउन करी जा रही है। इस टेक्निक में स्वॉर्ड की को विस्प में बदल दिया जाता है। इस टेक्निक को सिर्फ कुछ ही हाई रैंकिंग कल्टिवेटर मास्टर कर पाए हैं। जैसा कि मुझे लगा ही था, अगर मैं आज रात इधर नहीं आता तब भी गुआऊ मारा जाता। अब हम देखते हैं कि टैंग मिंग एंड जिंग जिंग अपने रास्ते चले जाते हैं। अब जाने से पहले जिंग जिंग टैंग मिंग को शुक्रिया कहती है। अब टैंग मिंग भी कहता है कि मैं खड़े खड़े इनजस्टिस को होता हुआ नहीं देख सकता था, बस इतनी ही बात थी। अब टैंग मिंग अपने मन के अंदर कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जिंग जिंग शक्तिशाली है। अब जाने से पहले जिंग जिंग टैंग मिंग से उसका नाम पूछती है, तो टैंग मिंग उसे अपना नाम बता देता है। अब टैंग मिंग अपने मन के अंदर कहता है कि अगर मैं बड़ी फैमिलीज की चिल्ड्रन के साथ क्लोज आता हूँ तो उन्हें मेरे बारे में पता लग जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ थोड़ा इंतज़ार करूँगा। अब हम जिंग जिंग को देखते हैं, जो कि अपने मन के अंदर सोचती है कि मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे स्कूल में एक और सूडो कल्टिवेटर होगा, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।